हेलो एवरीवन, वेलकम टू विद दैट ट्रांस। दोस्तों, आज हम लोग एक आरएस लॉजिक सॉफ्टवेयर में एक प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं और ये आरएस लॉजिक्स बेसिक सीरीज का पार्ट है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हमारा जो प्रोजेक्ट है वो ये है कि हमारे पास तीन मोटर हैं, मोटर वन, मोटर टू और मोटर थ्री। तो हम क्या चाहते हैं कि जो मेरी मोटर वन है वो स्टार्ट बटन प्रेस करने के 4 सेकंड के बाद ऑन हो जाए, मोटर टू जो है वो स्टार्ट बटन प्रेस करने के 8 सेकंड के बाद ऑन हो जाए, और मोटर थ्री जो है वो स्टार्ट बटन प्रेस करने के 12 सेकंड के बाद ऑन हो जाए, और फिर 16 सेकंड के बाद ये जो प्रोसेस है वो दोबारा से स्टार्ट हो जाए हमारी। ठीक है, तो बेसिकली हम क्या चाहते हैं कि 16 सेकंड के बाद ये रीसेट हो जाए और फिर से ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाए। जैसे पहले हमने स्टार्ट बटन प्रेस किया, 4 सेकंड के बाद मोटर वन स्टार्ट हो गई, मोटर टू स्टार्ट हो गई 8 सेकंड के बाद, मोटर थ्री 12 सेकंड के बाद स्टार्ट हो गई, फिर 16 सेकंड जैसी कंप्लीट हो ये रीसेट हो जाए और फिर से ये तीनों मोटर ऑफ हो जाएं, और शुरुआत से क्या हो, फिर से 4 सेकंड के बाद मोटर वन स्टार्ट हो, मोटर टू स्टार्ट हो, मोटर थ्री स्टार्ट हो। तो बेसिकली टाइम की बात है तो हम लोग क्या करेंगे, एक टाइमर का यूज़ करेंगे यहाँ पे, और इस टाइमर में हम लोग कुछ टाइम डाल देंगे। जैसे हमने इस टाइमर में डाल दिए 16 सेकेंड। ठीक है, टाइमर के पास दो वैल्यू होती हैं, एक प्रीसेट वैल्यू, एक एक्यूमुलेटेड वैल्यू। तो हम लोग क्या करेंगे, प्रीसेट वैल्यू में 16 डाल देंगे, और एक्यूमुलेटेड वैल्यू क्या होगी, जैसे ही हम टाइमर को ऑन कराएंगे ये एक्यूमुलेटेड वैल्यू भरने लगेगी, 0, 1, 2, 3 ऐसे कर करते 4, 5, 6, 16 तक जाएगी। हम लोग क्या करेंगे कि जब इसकी एक्यूमुलेटेड वैल्यू 4 के बराबर हो जाए या 4 से बड़ी हो जाए तो हम मोटर वन को स्टार्ट कर देंगे। जब भी हम इस तरह की कंडीशन लगाते हैं जिसमें कोई वैल्यू कंपेयर हो रही होती है, यहाँ पे क्या हो रहा है, वैल्यू कंपेयर हो रही है, एक्यूमुलेटेड वैल्यू जो है वो 4 से कंपेयर हो रही है और उसके बाद हमें आउटपुट चाहिए। तो जब भी हम कंपेयर का इस्तेमाल करते हैं तो हम लोग यूज़ करते हैं कंपेयर ब्लॉक का। जब भी हम कंपेयर करते हैं तो कंपेयर ब्लॉक का इस्तेमाल करते हैं। इसमें क्या होगा, इसमें आपका एक सोर्स ए होगा और एक सोर्स बी होगा, और इससे हम लगा देंगे आउटपुट आपका। जैसे मैंने लगा दी यहां पे मोटर वन, तो क्या होगा, सोर्स ए में हम डाल देंगे एक्यूमुलेटेड वैल्यू टाइमर की, ठीक है, और सोर्स बी में डाल देंगे कोई नंबर मान लीजिए 4। तो ये क्या करेगा, ये जो कंपेयर ब्लॉक है ये एक्यूमुलेटेड वैल्यू को इस नंबर से कंपेयर कराएगा, चेक करेगा। जैसे आपने कहा, जैसे आपने टाइमर स्टार्ट कर दिया 0, 1, 2, 3 कंपेयर कर रहा लगातार, और जैसे ही वैल्यू 4 के बराबर आ जाएगी या 4 से बड़ी हो जाएगी, अब 4 हो गया, 5 हो गया, जैसे 4 हुआ वैसे ही ये आउटपुट को ऑन करा देगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, वैल्यू जब 4 के बराबर हो या 4 से बड़ी हो तो हम इस तरह के कंपेयर ब्लॉक का इस्तेमाल करेंगे जो ये वाली कंडीशन सोर्स ए और सोर्स बी के बीच में लगा देता हो। तो ये वाला जो कंपेयर इंस्ट्रक्शन है वो है इक्वल ग्रेटर देन, ठीक है, तो GEQ के नाम से ये होता है। ये क्या करता है, सोर्स ए है आपका और सोर्स बी के बीच में ये कंडीशन लगा देगा, ठीक है। सोर्स बी में क्या है, 4, तो सोर्स ए में आपकी एक्यूमुलेटेड वैल्यू है ये क्या होगी, 0, 1, 2, 3 और जैसी 4 हो जाएगी, ठीक है, तो ये क्या कह देगा, भाई कम जो हमारी कंडीशन है वो तो फॉलो हो गई क्योंकि जो 4 है वो बराबर है 4 के, तो ये आउटपुट को ऑन करा देगा। इसी तरह से हमारे कंपेयर ब्लॉक हम इस्तेमाल कर सकते हैं। सेम इधर भी हम लोग क्या करेंगे, दूसरा कंपेयर ब्लॉक ले लेंगे एक, उसमें क्या करेंगे 8 वैल्यू डाल देंगे, तो ए फिर कंपेयर होगा 8 वैल्यू से, ठीक है, ए इसको 2 कह देते हैं, इसको A1 कह देते हैं, और फिर ये आउटपुट को ऑन करा देगा। सेम चीज़ चलती रहेगी हमारी, 3 कंपेयर ब्लॉक हम लगा देंगे। उसके बाद एक कंपेयर ब्लॉक हम लगाएंगे
जो 16 सेकंड पर वैल्यू को जज करेगा कि हमारा जो टाइम है वो 16 सेकंड हो गया या नहीं हो गया। या हम एक और चीज कर सकते हैं, इस टाइमर की जो डन बिट है वो 16 सेकंड के बाद ऑन हो जाएगी, और उसी से हम लोग क्या कर सकते हैं, आपके जो प्रोसेस है उसको रीसेट करा सकते हैं और दोबारा से स्टार्ट करा सकते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आर एस लॉजिक सॉफ्टवेयर ऑन कर लेते हैं, और उसमें मैं आपको सिखाता हूँ कैसे हम ये चीज प्रोसेस करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, फाइल में जाएंगे, फाइल में जाके न्यू फाइल ओपन करेंगे। यहाँ पे आप देख लीजिएगा ड्राइवर आपने सिलेक्ट किया हुआ है या नहीं किया हुआ है। उसके बाद आप ओके करेंगे। ओके करने के बाद हम लोग सिंपल एक चीज बना लेंगे यहाँ पे। ये मैंने लैचिंग यहाँ पे मैं कर दूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि टाइमर को जो चाहिए लगातार आउटपुट चाहिए। और हम यहाँ पे एड्रेसिंग दे देंगे, i:0/0। ये सारे बेसिक मैं आपको पहले बता चुका हूँ मेरी प्लेलिस्ट में, PIC प्रोग्रामिंग की फुल प्लेलिस्ट में, b3:0/0। ठीक है, तो इसको मैंने क्या किया, कॉपी कर लिया और इसको मैंने यहाँ पे भी पेस्ट कर दिया। तो क्या होगा, बेसिकली जब हम स्टार्ट करेंगे तो ये मेमोरी भी स्टार्ट हो जाएगी, और हमने यहाँ पे एक स्टॉप बटन लगा दिया, b3:, इसको हम लिख दे देंगे i:0/1। ठीक है, तो इनको नाम भी हम दे सकते हैं, जैसे इसको मैंने दे दिया एडिट डिस्क्रिप्शन करके स्टार्ट बटन। ठीक है, और इसको हमने नाम दे दिया स्टार्ट बिट। ठीक है, तो ये बेसिकली स्टार्ट कराने वाली बिट है। तो ये सारे नाम क्या होता है, फ्यूचर में आपको यूजफुल रहते हैं काफी दोस्तों। इसके बाद हम इसको दे देंगे स्टॉप बटन। ठीक है, ओके किया, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद हम एक टाइमर लेंगे, और उस टाइमर को हम लोग, ये टी ऑन टाइमर मैंने ले लिया, और इसमें मैंने इसको एड्रेस दे दिया मैंने t4:0। ठीक है, प्रीसेट वैल्यू मैंने डाल दी यहाँ पे 16। ठीक है, और 16 जैसी डाली मैंने, और इसको स्टार्ट कराने के लिए जो हमें देना पड़ेगा इनपुट वो देना पड़ेगा इसी मेमोरी से। तो इसको आप लिख सकते हैं यहाँ पे b3:0/0। ओके, तो अब आपका टाइमर स्टार्ट हो जाएगा। इसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, कंपेयर ब्लॉक का इस्तेमाल कर लेंगे। कंपेयर ब्लॉक हमारे पास है GEQ, मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू, क्योंकि हमें चाहिए जब वैल्यू 4 से बराबर हो जाए या उससे ग्रेटर हो तब हमारा आउटपुट ऑन हो जाए। तो हम बेसिकली इसका यूज कर लेंगे। तो सोर्स ए में आपको क्या डालनी है, टाइमर की एक्यूमुलेटेड वैल्यू t4:0 .acc। तो ये क्या आपको एड्रेस याद करना है, t4:0.acc? क्या मुझे याद था? बिल्कुल नहीं। हम डेटा फाइल में से जाके कभी भी एड्रेस देख सकते हैं। तो आप यहाँ पे जाइए, क्योंकि आपको डिफरेंट डिफरेंट PLC के साथ काम करना है, तो जरूरी नहीं है आपको हर चीज़ का एड्रेस याद हो। तो उसकी डेटा फाइल्स या हेल्प सेक्शन में जाके ये एड्रेस आप देख सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे जाऊँगा तो मैं ACC पे क्लिक कर लूँगा और मैं बिट का एड्रेस देख लूँगा, क्या है t4:0.acc। अब क्या होगा, यहाँ पे ACC आती रहेगी एक्यूमुलेटेड वैल्यू, जैसे टाइमर स्टार्ट होगा यहाँ पे आती रहेगी 0, 1, 2, 3, 4, 5, और जो ए की वैल्यू है वो यहाँ पे आ जाएगी, है ना। आप देख रहे हो ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू बी, और ये कंपेयर कराता रहेगा वैल्यू से, जो सोर्स बी की वैल्यू, सोर्स बी में हमने क्या डाल दिया 4। ठीक है, अब ये कंपेयर कराता रहेगा, जैसी वैल्यू 4 के बराबर हो या उससे बराबर होगी वैसी आउटपुट ऑन हो जाएगा, और जब तक उससे बड़ी रहेगी तब तक आउटपुट आपका ऑन रहेगा। इसके साथ हम आउटपुट लगा सकते हैं, आउटपुट हमने लगा दिया, ये मेरी क्या है, मोटर 1 है। तो इसको आप एक एड्रेस देंगे o:0/0। तो ये सारे एड्रेस आपको देने हैं, हमेशा याद रखिएगा। और इसको मैं नाम दे देता हूँ मोटर 1। ठीक है, मोटर 1। उसके बाद हम लोग इसकी कॉपी कर सकते हैं हम लोग, और ऐसे ही हमें 3 बार यूज करने हैं ना, तो कॉपी पेस्ट कर लो आप, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कॉपी पेस्ट कर दी है। ठीक है, ये सारे मोटर 1 है, कोई बात नहीं, मैं इसको 1 कर दूंगा। ठीक है, इसको 2 कर दूंगा यहाँ से। तो ये आउटपुट मैंने चेंज कर दिया। यहाँ पे मुझे चेंज क्या करना है, यहाँ पे 8 डालना है, ठीक है, और यहाँ पे मुझे 12 डालना है।
और यहाँ पे मुझे डिस्क्रिप्शन में इनका नाम देना है, एडिट डिस्क्रिप्शन करके, मोटर टू, ये मोटर थ्री, ठीक है, ओके कर दिया। और उसके बाद मुझे क्या कराना है, इस प्रोसेस को रीसेट कराना है। तो रीसेट कब होगा, 16 सेकंड के बाद। और 16 सेकंड के बाद दोस्तों आप बताइए मुझे कि कौन सी बिट ऑन हो रही है जिससे हम रीसेट करा सकते हैं। ठीक है, तो रीसेट करा सकते हैं हम, या तो ये कंपेयर ब्लॉक अलग से ले लें हम लोग, उसमें 16 वैल्यू डाल दें और उससे हम इसको रीसेट करा दें, या फिर आप टाइमर की डन बिट से भी इसे रीसेट करा सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, और हम लोग क्या कर लेते हैं, टाइमर की डन बिट ले लेते हैं यहाँ पे, जिससे ये हम लोग रीसेट करा सके इस प्रोसेस को। तो हम लोग ये ले लेते हैं यहाँ पे T4:0 /DN, ऐसे डन बिट ली जाती है यहाँ पे, है ना। ठीक है, इस तरह से इनेबल बिट, TT बिट ऐसे लेते हैं, और इसको अब हम रन करा देते हैं और एक बार चेक करते हैं, और फिर अगर कोई एरर इसमें आती है तो हम उसको रिजॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसको वेरीफाई किया मैंने, वेरीफाई करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको एक तरह से फाइल में जाके सेव एज कर लेते हैं, और इसको नाम मैं दे देता हूँ कास्केडिंग मोटर। ठीक है, सेव किया मैंने, और ये मेरे इमरेट ओपन कर लिया है, और इसमें जाके मैं कास्केडिंग मोटर को ऑन कर लूंगा और यहाँ पे दे दूंगा स्टेशन 1, ओके किया मैंने, और इसको रन करा दिया। रन कराने के बाद मैंने यहाँ पे, जब जैसे ही रन इसे कराया यहाँ पे, अब हमको क्या करना है, कम्युनिकेशन में जाके, सिस्टम कम्युनिकेशन में जाके, हाँ ठीक है, इसको आपने सेलेक्ट किया और डाउनलोड कर दिया, ठीक है, यस किया, कोई बात नहीं, दोबारा कर लेते हैं। ठीक है, ये ऑनलाइन हम चले गए, जैसे ही ये नोड आपका घूमने लगे तो आप ऑनलाइन चले गए हैं। और इसको आप यहाँ से रन करा लीजिए। ठीक है, अब जैसे ही आप स्टार्ट बटन को प्रेस करेंगे, फोर्स ऑन किया आपने, फोर्स ऑफ किया, अब ये देखिए जैसी 4 सेकंड हुई मोटर 1 स्टार्ट हो गई, जैसी 8 सेकंड हुई मोटर 2 स्टार्ट हो गई, और जैसी 12 सेकंड हुई मोटर 3 स्टार्ट हो गई, और जैसी 16 सेकंड होंगी फिर से ये रीसेट हो गया, और फिर से आपका जो प्रोसेस है दोबारा से स्टार्ट हो गया। देखिए ठीक है, तो ये आप प्रोसेस कर सकते हैं, और जब भी आप स्टॉप बटन को दबाएंगे ये प्रोसेस आपकी रुक जाएगी। ठीक है, आपने दबा दिया स्टॉप। ठीक है, आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, और आपके कोई डाउट्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ये जो लेक्चर सीरीज है ये मेरे RS लॉजिक्स बेसिक का पार्ट है, जो कि मैंने फुल लेक्चर सीरीज में आपको इंक्लूड कर दिए। ठीक है, तो आप अगर फुल कोर्स मेरा ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप, मैं डिस्क्रिप्शन में आपको एक कॉन्टैक्ट नंबर दे दूंगा, व्हाट्सएप नंबर दे दूंगा, उसके थ्रू आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और आप पूरी फुल सीरीज इसकी ले सकते हैं, जिसमें बहुत काफ़ी लेक्चर्स हैं। थैंक यू वेरी मच।